बेगिंग रोकने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम भीख दें। नहीं देंगे तो ये कौम नहीं पैदा होगी। ये जो बेगर्स हैं वो हमारी देन है, हम देते हैं तो बेगर्स कम्युनिटी तैयार होती है और हम भीख देके कहते हैं अरे बड़े भिखारी हो गए भाई, बड़े भिखारी हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें भीख ही नहीं देना है ना। दूसरी बात, बच्चों को खिलाना भी नहीं है, किसी को भी नहीं खिलाना। हमने जैसे आपको बताया, जब आप कुछ करवा खिलाते हैं या कुछ देते हैं उसके बदले में आप उनसे कोई काम लीजिए, तब आप वो उनको दीजिए या खिलाइए, ताकि उनको ये पता चले कि फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तीसरी बात, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ भिक्षावृत्ति तक बात नहीं है, ये इसके पीछे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और दुनिया भर की अराजकता है ना, क्राइम जो स्पॉट पे होते हैं, मुखबिर जो बनते हैं है ना, जो लड़कियां हैं वो तो बड़ी होके फिर भी भिखारी बनती हैं, जो लड़के हैं 12 साल के बाद वो 100% क्रिमिनल ही बनते हैं, अपराधी बनते हैं, छोटे चाहे बड़े, वो चाहे वो सामाजिक रूप से सक्रिय हो ना हो, चोर जरूर बनते हैं वो, है ना। भले वो समाज में ना निकलते हो, अपनी पत्नी के लिए, वो उनकी पत्नी कमा के लाएगी तो वो फ्री में उस पैसे को उड़ाएंगे, शराब के नशे में रहेंगे। 13, 14, 15 रुपए के लिए मैंने बच्चों को मेल फीमेल चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन मैंने देखा है। तो ये चाइल्ड बेगिंग का ही एक एक एस्पेक्ट है, ये पहलू है कि भीख मांगते मांगते इनसे सिस्टम में ही करवाया जाता है, मतलब बना हुआ है सब, प्रशासन सब पुलिस वुलिस देखती है, कोई कुछ नहीं करता है, सब बना हुआ है सिस्टम में। तो अगर हमें चैरिटी करनी हो, अगर हमें कुछ बेगर्स के जो भीख मांगते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं हम चैरिटी? अच्छा, अगर आपको चैरिटी ही करनी है, आपको देना ही है, तो आप पहली बात देखिए, आमतौर पे अमूमन ऐसा होता है कि जो लोग देना चाहते हैं वो तुरंत दे के खाली होना चाहते हैं, है ना। वो सामने उनको कोई गरीब दिख गया, वो सोचते हैं कि उनको दे के वो खाली हो जाए, गरीब को दान किया बड़ा पुण्य मिला। तो ऐसे व्यक्तियों को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं देना चाहिए, किसी को देना ही नहीं चाहिए। किसी के पास थोड़ा समय निकले तो वो ऐसी जगह पे देखे कि क्या ऐसी कोई संस्था है जो ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है, उनको पुनर्वासित करने पे काम कर रही है, उनको भीख मांगने से रोकने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके आगे के फ्यूचर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं को या तो वो दे सकते हैं या ऐसे बच्चों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई अपने बच्चे को लिया, स्कूल में एडमिट कराया, उसको एडमिशन दिलाई और उसका हमने खर्चा उठा लिया। भीख देने से बेहतर है, आपके एक बार के भीख देने से, आप एक बार 1 रुपया देते हो बच्चा भिखारी बन जाता है, लेकिन अब उस गड्ढे से निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए ये सोच के भीख देना चाहिए कि हम जो भीख दे रहे हैं वो हम एक हरामखोर मुफ्तखोर जमात पैदा कर रहे हैं सिर्फ, उसके अलावा वो कुछ नहीं होते हैं। और जो जरूरतमंद होते हैं वो आपकी जरूरत के मुताबिक जब आप पैसे देते हैं वो इकट्ठा करके फिर वो कोई काम करते हैं। ये जो होते हैं बाई चॉइस बाई प्रोफेशनल बाई प्रोफेशन ये भिखारी होते हैं। इनको कोई कहता नहीं है कि भैया तुम गरीब हो तो तुम चलो अब ये काम करो, ये भीख मांगो, इनको मन करता है कि भीख मांगे। तो ऐसे लोगों के लिए यही एक माध्यम है कि भैया जो हमको चैरिटी करनी है तो या तो हम तलाशें ऐसी कोई जगह हो, या तो भीख ना दें, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो